राजस्थान में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है। बुधवार रात हनुमानगढ़ जिले में विश्व हिंदू परिषद के एक स्थानीय नेता पर हमला हुआ। हमले से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल वीएचपी नेता को बीकानेर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मांग की कि जो आरोपी हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन भी हरकत में आ गया है। घटना के बाद देर रात से कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। राजस्थान इस समय सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलग रहा है। आए दिन प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा के चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक महीने के दौरान राज्य के 5 जिलों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। किरौली, अलवर, जोधपुर, भिलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में झड़प हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजस्थान में शहर दर शहर सांप्रदायिक हिंसा का जहर क्यों फैल रहा है। पहली घटना राजस्थान के किरौली में सामने आई, जहां हिंसा 2 अप्रैल को हुई थी, जब कुछ लोगों ने हिंदू नव वर्ष के अवसर पर एक बाइक रैली पर कथित तौर पर पथराव किया। किरौली के बाद 22 अप्रैल को अलवर जिले में बुलडोजर से मंदिर तोड़ने के बाद विवाद हो गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद जोधपुर में 2 मई को ईद के मौके पर जमकर बवाल हुआ, जहां जालौरी गेट पर झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो 2 दिन तक चला और अब हनुमानगढ़ में विवाद पैदा हो गया है। दूसरी ओर राजस्थान में हिंसक घटनाओं के बाद गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सूबे की राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि हर 5 साल में सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के सपने जरूर देख रही होगी। ऐसे में राजस्थान में जिस तरह के सांप्रदायिक तनाव बन रहे हैं, उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। INS रिपोर्ट।